नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को बस आप लोग 2 से 3 मिनट तक बिना स्किप के कंटिन्यू देख कर जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को व्हाट्सअप की एक बहुत ही नई और ज़बरदस्त खतरनाक सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यकीनन दोस्तों आप लोग इसे देखने के बाद बिल्कुल ही चौंक जाओगे। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट्सअप के अंदर इतना खतरनाक सेटिंग हो सकता है। दोस्तों इस खतरनाक सेटिंग को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो कंटिन्यू देखना बिना स्किप के। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दिया है यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के दोस्तों घंटी के बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी इस तरह की नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले सीधा आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और इस कमाल की खतरनाक सेटिंग को दोस्तों सीख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको खतरनाक सेटिंग बताने वाला हूँ, ध्यान से दोस्तों देख के जाना, क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसा सेटिंग किसी ने आपको नहीं बताया होगा। यहां पे दोस्तों जैसे ही मैं अपना WhatsApp ओपन करता हूं, जनरली दोस्तों आप लोग भी जब भी अपना WhatsApp ओपन करते होंगे तो दोस्तों आपको यहां पे एक ग्रीन बटन दिखता है, ये वाला। दोस्तों आप इसका यूज करते होंगे किसी कॉन्टेक्ट नंबर को ओपन करने के लिए। बट दोस्तों मैं यहाँ पे इस ग्रीन बटन पे 3 बार दबाऊंगा तो यहाँ पे एक खुफिया मैजिक स्टार्ट होता है। और दोस्तों इस खुफिया मैजिक का दोस्तों क्या क्या यहाँ पे सीक्रेट है, क्या क्या खतरनाक सेटिंग है, सारा सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं अपना WhatsApp ओपन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजर आता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन कोई भी बंदा लेके अगर आपके WhatsApp को ओपन करना चाहेगा तो दोस्तों यहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, चैट के ऊपर क्लिक करेगा तो दोस्तों कुछ नहीं दिखाएगा, अनक्नोन 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 दिखाई देगा। स्टेटस पे क्लिक करेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कॉल पे क्लिक करेगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको नीचे ग्रीन बटन दिख रहा है, यहाँ पे अगर एक बार दबाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, 2 बार दबाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। बट दोस्तों यहाँ पे जैसे ही 3 बार अगर आप दबाओगे यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे एक खुफिया मैजिक स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे दोस्तों इस तरह से पिन डालना है, क्या कैसे पिन डालना है मैं सारा सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से WhatsApp ओपन हुआ है। यानी कि दोस्तों आपके जो WhatsApp पे एक कवर लग चुका है, यानी कि यहाँ पे इस तरह का एक कवर लग चुका है। यहाँ पे दोस्तों दोबारा किसी ने अगर आपके WhatsApp को यहाँ पे ओपन करने की कोशिश किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर से उसको नजर आएगा। वो ये सोचेगा कि इसके WhatsApp के अंदर क्या हो गया, कहीं WhatsApp के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, यहाँ पे सारा सब कुछ अनकनोन नजर आएगा उसे। तो दोस्तों इसका जो कमाल है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फिर से आपको यहाँ पे एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन बटन है यहाँ पे एक बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने पहले से पिन डाला है यहाँ पे इस तरह से डालूंगा, यहाँ पे इस तरह से अनलॉक हो जाएगा। अब इसे दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करना होगा, ये सारा सेटिंग अगर आपको अपने मोबाइल फोन में करना होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सेटिंग अगर आप भी अपने मोबाइल फोन में कर लेते हो तो दोस्तों WhatsApp के अंदर आप भी ऐसा कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगी, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर जो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे लिख के सर्च करना है। आप अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही गूगल के सर्च बार में जाओगे, आपको यहाँ पे WhatsLock यहाँ पे इस तरह से WhatsLock लिख के यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे ही सर्च करते हो आपको ये जो फर्स्ट नंबर पे ये जो वेबसाइट आएगी appkpure.com के नाम से, आपको दोस्तों इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको ये जो एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी इसे पहले से ही इंस्टॉल किया है, मैं फटाफट से दोस्तों यहाँ पे इसे इंस्टॉल करके सारा सब कुछ जो भी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर आप भी अगर इसे ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक पिन जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक पिन जनरेट कर देना है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से आपको सेम पिन डाल देना है, आपको री इंटर कर देना है, वही पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
अब आपको यहाँ पे एक जीमेल डाल देना है, जो कि दोस्तों जीमेल कोई सा भी डाल सकते हो, फर्जी जीमेल भी डाल सकते हो, चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 123 डाल दिया, यहाँ पे इस तरह से एट द रेट लगा दिया, और यहाँ पे इस तरह से gmail.com यहाँ पे इस तरह से मैंने लगा दिया। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्जी यहाँ पे जीमेल वगैरह डाल के यहाँ पे इसे लॉगिन कर लिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से ये सेटिंग यहाँ पे अलाउ कर लेने हैं। इसके बाद से आपको यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है प्लीज अलाउ यूसेज एक्सेस, इस वाली सेटिंग को आपको यहाँ से ऑन कर देने हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड आपको लोडिंग लेने का टाइम लेता है, आपको यहाँ पे नीचे आना है, और ये वाली जो एप्लीकेशन अभी आपने जो इंस्टॉल किया इसकी परमिशंस को आपको यहाँ से अलाउ कर देने हैं। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे वापस बैक आने हैं। बैक आने के बाद आपको ये जो दूसरा वाला जो नीचे ये जो दिख रहा है आपको प्लीज अलाउ ड्रा ओवर एप्स, इस वाले सेटिंग पे क्लिक करने हैं, और इसकी जो भी सेटिंग परमिशन से आपको यहाँ पे अलाउ कर देने हैं, बैक आ जाने हैं। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो अगला सेटिंग करना है आपको यहाँ पे नीचे आना है, और आपको यहाँ पे देख सकते हो एक सेटिंग मिल जाता है इंटरेक्टिव कवर का, आपको यहाँ पे इस पे टैप करना है। और दोस्तों जैसे ही इस सेटिंग पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप चूज करना है, और आपको इस वाली सेटिंग फर्स्ट नंबर पे जो दिख रही है इंटरेक्टिव कवर, इस पे आपको टैप कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक 3 times इन द न्यू चैट बटन टू अनलॉक, यानी 3 बार दबाओगे तो आपका जो न्यू चैट बटन है वो ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओके पे टैप करना है, और इस तरह से दोस्तों ये सेटिंग पूरी हो जाती है। और दोस्तों आपके अगर व्हाट्सअप पे कोई बंदा आके और आपके व्हाट्सअप को कोई ओपन करने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसके सामने फिर से ऐसा ये चीज दिखाई देगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही देखकर चौंक जाएगा, घबरा जाएगा कि कहीं उसके व्हाट्सएप के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। लेकिन बट दोस्तों अगर आपको इसे जब भी ओपन करना होगा तो आपको यहाँ पे 3 बार दबाना होगा, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर आपने जो अभी पिन डाला वो डाल के आप अपनी चैट वगैरह जो भी काम करना है वो कर सकते हो। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।